मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैंने फिर से शुरुआत कर दी है अपने व्लॉग की। आज है एक स्पेशल डे, आज है 20 फरवरी, मेरी एनिवर्सरी। आज 20 फरवरी को हमारी 20वीं एनिवर्सरी है, तो दिस इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि 2 नंबर इज लकी फॉर अस। हैव यू रियलाइज्ड, आज हमारा 20 है, और 20 मतलब 2 एग्रीगेट आ रहा है। एनीवेज, 2 नंबर मेरे लिए लकी है गाइस, जिस मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ का भी उसका टोटल 2 आता है, तो मेरे हर स्पेशल काम जो लाइफ के हुए हैं वो नंबर 2 के एग्रीगेट वाली डेट पर ही हुए हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, हम थोड़ा लेट उठे हैं। कल रात को पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज आज हम स्टेकेशन के लिए कहीं जाने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग, लोग पहले वाले ब्लॉग से थोड़ा सा हटके, हालांकि पिछले साल का भी है मेरा एनिवर्सरी का व्लॉग, तो उस एक्साइटमेंट के चक्कर में शायद मुझे रात को नींद नहीं आई, पैकिंग ये वो, क्योंकि बाकी सब लोग तो बैठ के चल देंगे, यहाँ तो पैकिंग करनी ही पड़ेगी। तो आज आप मुझे विश कर सकते हैं मेरी एनिवर्सरी पे, और मेरे बेटर हाफ देखिए सुबह से उठ के क्या कर रहे हैं। हाय बोल दो। हाय व्यूअर्स, व्यूअर्स इनको विश कर दीजिए इनकी एनिवर्सरी पर। घर में काम शुरू हो चुका है, बस झाड़ू पोछा भी हो जाएगा और उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो अब आपको दिखा देती हूँ, हालांकि मैंने अभी तक कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। ब्रेकफास्ट आज तो ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना नू रास्ते में? ठीक है, तो चलते हैं हमारे अदर बेटर हाफ की ओर। अदर बेटर हाफ, व्हाट आर यू डूइंग? वॉचिंग यूट्यूब। हाय तो बोला ही नहीं आपने मेरे व्यूअर्स को। हेलो हेलो नहीं, अच्छे से प्यार से तमीज तहजीब कहाँ गई आपकी, अच्छे से बोलिए। वैस हेलो गाइज, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए आप कितना एक्साइटेड हैं आज? काफी, जाने के लिए। यही है पहले सदस्य जो नहा धो लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये है हमारे दूसरे बेटर हाफ, और हम आज जाने वाले हैं कहाँ इशांक? गुरुग्राम। गुरुग्राम जाने वाले हैं एक स्टेकेशन के लिए, तो आर यू एक्साइटेड? क्या सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज का हो रहा है? कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं काफी दिन से ये सिर्फ 2.5 साल से रेस्ट कर रहा है दोस्तों। नहीं, वो कल लास्ट 15 दिन से बहुत ओवरकिल टाइप का चल रहा है, तो अच्छा एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा आज मुझे, रिकवरी पीरियड ही नहीं मिल रहा मुझे। हाँ। तो रेडी है चलने के लिए? ब्रेकफास्ट करेंगे? हाँ। करेंगे। अरे यार सब ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों, लगता है कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। चलो अभी के लिए बाय कह दो। बाय। ये सही है यार, मैं तो दिखती ही नहीं हूँ, वहां से पकड़ो दोस्तों, मैं दिखती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ही कैमरामैन हूँ। लाइट एंगल निकाले मैंने। सूरज की बाहों में अब है ये रोशनी। चलो दोस्तों मिलते हैं। ये कैमरा बहुत अच्छा है, मेरी शक्ल पे एक चीज नहीं दिखती। हाँ, दोस्तों ये इतना सुंदर नहीं है, ये बहुत इसके चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हैं, लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों ये कैमरा अच्छा है तो इसका कुछ नहीं है। चलो दोस्तों मिलते हैं। तो अब करते हैं शावर लेने की तैयारी, नहाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने दोस्तों। अब नहाते हैं जल्दी से और तैयार हो जाते हैं, और यहाँ चल रही है न्यूज़, और मैं यहाँ आके नहा के आ गई हूँ और मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा 12:00 का मतलब दोपहर में 12 बजे का हमारा चेक इन है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं ये। और यहाँ मेरा मेकअप सेशन शुरू हो गया है दोस्तों। Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around. ये
पति देव बना रहे हैं चाय क्योंकि मैं हूँ मेकअप में बिजी। तो यहाँ बन रही है चाय हमारी और यहाँ हो रही है पूजा। अनु ने की थी पर दिया अच्छे से नहीं जला पाए थे तो अब दोबारा से ईशांक जला रहा है और ये बन रही है चाय। पहले हमने सोचा था हम बाहर ही चाय पी लेंगे लेकिन फिर लगा बाहर हमारे घर जैसी परफेक्ट चाय नहीं मिलती है। हो गया ये कान में से, ये तो निकाल दो। आपसे बात करने के लिए पहले नॉक नॉक करना पड़ता है। स्टार्ट करें। वो अब नहीं हो सकता। चलो चलो। अगर तेरी बीवी अगर 5 फुट की आ गई ना तो ये हंसी फिर मेरे चेहरे पे आने वाली है। ठीक है। जो ज्यादा बोलते हैं मैं उसे भी गिट्ठा ही बोलूंगा। गिट्ठा तो मैं गिट्ठी हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा। तू बता अपनी क्लास की कोई भी एक लड़की को लाके खड़ा कर और फिर हाइट खड़ी कर दे फिर बोल। मैं कुछ नहीं कह रहा। तो फिर क्यों हंसता क्यों है? मैं क्या तेरे जितनी 6'5" की होती तो एलियन नहीं बन जाती? कौन शादी करता? अगर आप 6'5" होते तो मैं होता 7'6" का। फिर शादी कौन करता है? फिर अभी तो ये दूल्हा मेरे बराबर है सोचो। और फिर मैं कहां से लाती दूल्हा बराबर नहीं? 6 सुनो 6 अभी तो ये दूल्हा मेरे बराबर है। अरे तो अच्छा अभी अब ये बता कि इतना ही डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं पति पत्नी में? तीन इंच, दो इंच का। तीन इंच और ये देख फ्लैट और जूते देख ले हील्स। मेरे हील्स कहीं नहीं समझ ले हील्स पहनने में। और अगर मैं हील्स पहन लूं अपनी जो लेडीज पहनती हैं तो फिर मैं अनु से लंबी लगूंगी कि नहीं लगूंगी? तो 3 इंच की हील थोड़ी होगी। पागल हर इंच थी, हर हील 2 या 3 इंच की होती है। अरे मैडम 3 इंच 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर इतना होता है। फाइनली आई एम रेडी और ये है मेरा लुक उस दिन का। मैंने पहना है प्योर कॉटन का फुल फ्लैट बुनाई का बहुत ही प्यारा सा सूट। इसका सूट की जान इसका दुपट्टा और इसके टेसल्स हैं एज यू कैन सी। और इसमें इतने सारे फ्लेयर हैं कि आप ना चाहते हुए भी ट्रिल तो ज़रूर करेंगे। और यहाँ मैं दे रही हूँ कुछ थोड़े थोड़े से पोजेज क्योंकि रील्स डाली है मैंने इसी सूट में अपनी थोड़ी बहुत, तो सोचा कि थोड़ा सा रील्स के लिए भी शूट कर लिया जाए लगे हाथ क्योंकि घर पे वैसे बैठ के तो तैयार होने का मौका मिलता नहीं है। तो जब आज तैयार हुए ही हैं तो वाई नॉट। गाइस मैं रेडी। ये है मेरा मेकअप, ये है मेरा प्यारा सा चोकर, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। और आप बताइए कैसा लग रहा है ये भारतीय नारी लुक। और ये देखिए भारतीय पुरुष ये पी रहे हैं चाय और ये दूसरे पुरुष क्या कर रहे हैं? चार्जिंग पे। चार्ज हो रहा है ये? लेफ्ट वाला नहीं हो रहा है उसके अंदर। हाँ हाँ मुझे भी कल रात को लग रहा था। चलो तो फिर पीते हैं चाय। तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम घर से। अभी बज रहे हैं कितने अनु क्या टाइम हो रहा है? साढ़े ग्यारह हो गए हैं। और अब हम पहले जाएंगे मंदिर, हाँ साईं बाबा के मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जाएंगे आगे। ईशांक जी पीछे बैठे हैं। ये देखिए ये हो रही है हमारी गाड़ी की रबिंग। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से पहले हो रही है गाड़ी की रबिंग। चौराहे पे लोधी रोड के और अब हम जाने वाले हैं लोधी रोड के साईं मंदिर। पिछले कई सालों से आप मेमोरी में आपने देखा नू हम कई सालों से अपनी एनिवर्सरी पे जाते हैं साईं मंदिर। आज की मेमोरी दिखाई थी मैंने आपको हर साल का दिखा रहे थे उसमें 2017, 18, 20। तो इट्स अ रिचुअल नाउ कि अब हम साईं मंदिर जाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी एनिवर्सरी के दिन तो जरूर जाएं।
तो अभी चलते हैं हम लोधी रोड के साईं मंदिर। तो यहाँ कर लिए हम लोगों ने साईं बाबा के दर्शन और ले ली हैं उनकी ब्लेसिंग्स, जैसे कि हम हर साल लेते हैं। और पहला व्लॉग का ये मेरी एनिवर्सरी के व्लॉग का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है गाइस, और सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी इसका। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सेकेंड पार्ट में आएगा कि हम गुड़गावा कहाँ गए और हमने एक दिन का स्टेकेशन वहाँ कैसे किया। होप यू आर इन्जॉइंग इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज़, take care, bye bye, see you on the other part of the video.